आज के नवीन युग में शिक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए राज्य सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया। इस एक्ट के अंतर्गत गरीब से गरीब बच्चा निजी विद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। कुछ बच्चों को निजी विद्यालयों में एडमिशन कराया, वह बच्चे एक साल तो आराम से पढ़ पाए। आज मिलते हैं उन बच्चों से जिनको दूसरे साल अपनी पढ़ाई के लिए कितनी परेशानियां आ रही हैं। मैं सुनीता और यह है मेरा समुदाय। आपके आगे समस्या किस चीज़ की आ रही है? समस्या ये है मैडम, पिछले साल गवर्नमेंट का नियम था राइट टू एजुकेशन, तो पत्रकार ने भी मैक के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया था, बच्चों को जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं बीपीएल या गरीब अति गरीब है उनको निःशुल्क शिक्षा के लिए, तो मैंने इन बच्चों को मोटिवेट किया। कुछ जो वाकई में गरीब थे ऐसे लगे मुझे कि भाई इनको फायदा मिलना चाहिए, ऐसे बच्चों को मैंने एडमिशन कराया था। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? भगवंती मेमोरियल माता विद्यालय। कब से पढ़ रहे हो? आपको स्कूल में क्या क्या परेशानी आ रही है? देखो हमको ये परेशानी आ रही है, फीस ज़्यादा मांगते और क्या ड्रेस नहीं देते, कॉपी वगैरह कुछ नहीं देते। तो पिछले साल तो एडमिशन कर लिया लेकिन इस वर्ष वो इन लोगों से पैसा मांग रहे हैं, ना तो इनको निःशुल्क कोई किताब कॉपियाँ दी जाती हैं, ना कोई ड्रेस वगैरह का, और अब तो इस साल से तो फीस भी मांग रहे हैं। तो मैंने विद्यालय के जो मैनेजमेंट है उससे बात की तो वो बोलेगा साहब गवर्नमेंट ने हमें पैसा नहीं दिया है, तो इसमें इनका क्या दोष है बेचारों का, गवर्नमेंट जाने और विद्यालय जाने, इनको तो अपना काम होना चाहिए। इनको तो चलिए अब इनसे अब पैसे मांगे तो ये कहाँ से देंगे, और एक साल इनके बच्चों की खराब हो गई। अगर ये बच्चों को हटाते भी हैं स्कूल से तो उनकी तो एक साल खराब हो गई। आजकल सभी माँ बाप चाहते हैं कि सरकार ने जब ये एक्ट लागू किया है तो हमारे सभी बच्चे पढ़ पाएँ। सभी के माँ बाप की सोच ये होती है कि पैसे वालों के बच्चे तो पढ़ पाते हैं, गरीब का नहीं पढ़ पाता। इसी बात को देखते हुए सरकार ने ये एक्ट लागू किया, लेकिन मेरी करौली में इस एक्ट का लाभ जिन बच्चों को मिलना चाहिए उनको पूरी तरह नहीं मिल रहा है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।